चलो चलो। सर एक क्वेश्चन पूछना है। किस चीज से रिलेटेड? किस पे नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। देखो रेजिस्टिविटी इसलिए उस पर डिपेंडेंट है क्योंकि रेजिस्टिविटी आपको क्या बताया मैंने, रेजिस्टिविटी बताया एक यूनिट लेंथ में जितना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि एक यूनिट लेंथ में तो हर मटेरियल में अलग अलग होगा, हर मटेरियल में जो लेंथ होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हो गया, और दूसरा टेम्परेचर पे इसलिए भी डिपेंड है क्योंकि टेम्परेचर वैरी करता है तो रेजिस्टेंस भी वैरी करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी भी फिर यहाँ पे वैरी कर जाता है क्योंकि देखा जाए तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, आना समझ में, इसीलिए, ठीक है। और इसके अलावा और कोई फैक्टर है नहीं क्योंकि रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन ही वही है कि एक यूनिट लेंथ में जितना रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर यही दोनों पे, और क्या लगता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं उस पर डिपेंड नहीं करता। वो किस चीज़ से बनाया भाई, डेफिनेशन में कहाँ एरिया की बात हो रही है, नहीं हो रही ना, ठीक है। उसका डेफिनेशन ही ऐसा बना हुआ है ना कि जिससे साफ पता चलता है कि वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है किस चीज़ से बनाया। चलो ओके, आज हम लोग को एक्सरसाइज 4D कर रहा है मैथ्स में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैंने आई थिंक 28 तक बोला था बना करके लाने, बनाए, ठीक है। क्या क्या पूछना है पहले पूछ लो, फिर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। हाँ 30 और बोलते जाओ कितना, 29 और 33, 34 और 20 और है। साधिका का कोई क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, और कोई है साधिका? आप अभी ढूंढ रहे हो, आप क्वेश्चंस घर से नहीं लाए ढूंढ के, ठीक है। ऐसे ही पूछ लिए या मतलब सच में है आपका? ठीक है हाँ ठीक है हाँ 20 हो गया सबका, आ गया, किसी का बचा हुआ नहीं है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का टाइम ख़त्म, अब सॉल्यूशन का टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। 16 क्या कह रहा है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भाई कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज इतना, फाइंड द मल्टीपल्स। देखो कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, पहले तो ये बताओ मल्टीपल ऑफ 7 का क्या मतलब समझते हो? देखो 7 का मल्टीपल मतलब 7 का टेबल, ठीक है। अब 7 का मल्टीपल कौन होगा, बोलोगे सर x कोई नंबर मान लीजिए उसमें 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 7 का मल्टीपल। और उसका बाद बोल उसके बाद बोला कॉन्सिक्यूटिव, यानी एक तो 7x और दूसरा 7x प्लस 1 होगा ना, एक x वाला उसके बाद वाला, ठीक है। तो देखो करना क्या है, अपने को 7 का मल्टीपल कॉन्सिक्यूटिव मानना है तो एक तो हो गया 7x, दूसरा हो जाएगा 7 × x + 1, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव हो गए लगातार, ठीक है। अब बोलता है कि इनका जो सम है ना स्क्वायर, क्या बोल रहा था एक सेकेंड, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू, ठीक है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, अब इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर का जो सम है ना, हाँ रियल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता, क्या मतलब रियल नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, तो 1, 2, 3 भाई रियल नंबर का क्या डेफिनेशन समझता है तुम? हाँ रियल नंबर हर वो नंबर है जो आज तक तुम पढ़ा है, ठीक है, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो वैसा मतलब उस नंबर का होने के बाद 1, 2, 3, 4 आया ना, फ्रैक्शन ना डेसिमल ना नेगेटिव, मतलब नहीं समझे तुम्हारा क्वेश्चन, मतलब बस 1, 2, 3, 4 आया ना, फ्रैक्शन ना डेसिमल ना नेगेटिव, सब रियल नंबर है। नहीं मतलब उस नंबर को क्या बोलेंगे, उस नंबर के सेट को, तो किस क्या पूछना क्या चाह रहे हो मैं समझ नहीं, एग्जांपल बताओ। मतलब जैसे कि उस नंबर का क्या नाम होता है जो ना नेगेटिव में हो ना डेसिमल में हो और ना फ्रैक्शन, नेगेटिव में ना हो डेसिमल भी ना हो और फ्रैक्शन भी ना हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अरे नेचुरल नंबर होता है और क्या होता है, क्या पूछ रहा है, ठीक है कोई नहीं। वैसे रियल नंबर सभी है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर भी रियल नंबर है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, फ्रैक्शन भी रियल नंबर है, डेसिमल भी रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है भाई,
क्योंकि सारे के स्क्वायर पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। तो हर नंबर रियल नंबर है, आप अभी तक जो पढ़ रहे हो वो सब रियल नंबर पढ़ रहे हो। इलेवेंथ में जाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर एक जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं वो आपको इलेवेंथ में मिलना है, तो अभी जो पढ़ रहे हो वो सारे रियल नंबर सर, ठीक है। चलो तो देखो करना क्या है, यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ सेवन जो है वो कितना आ गया 1225, ठीक है। ये हो गया, अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा क्या? बन जाएगा, गुड, ठीक है, बना लो। देखो मेरा काम है सिर्फ आपको इक्वेशन दे देना, सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी। 17 क्या बोल रहा है, कहता है द सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8। भाई सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल 65/8, ये किसका था? शादिका का। क्या प्रॉब्लम है? एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उसका उलट दो, ठीक है। तो उनका सम जो है वो 65/8 है, नहीं सॉल्व हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, आप इसके नीचे 1 मान लो, x ले लो LCM, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1 बाई में 65/8, और x को इधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 65/8 इंटू एक्स, और 8 इधर भेज दो तो आप 8x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 65x। और मेरे को नहीं लगता आप इसके बाद बताने की ज़रूरत है, ठीक है। ये शायद बताया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। 17 हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, इरेज कर रहे हैं इसको। सेवेंटीन के बाद 20, हाँ जी देखो 20 क्या है, और आज का होमवर्क सुन लो, आज का होमवर्क कहाँ तक है, लास्ट क्लास में 28 तक दिए थे ना, तो आज का होमवर्क ऐसे आज कौन सा दिन है, आज फ्राइडे, तो कल सैटरडे हो गया, कल तो साइंस होगा, और फिर संडे, और फिर मंडे, यानी अब हम मंडे को ही चेक करने वाले हैं, मतलब जो भी डाउट्स हैं आपके। तो आप एक काम करो पूरा टच करो, ठीक है, 75 है, हाँ पूरा, अरे ज़्यादा कहाँ है, 28 तक तो दे दिए हैं, 28 तक देने का मतलब आप 30 तक तो बनाए हो, टच तो किए हो ना, ठीक है। 35 क्वेश्चन और दे रहे हैं, 75 है ना, 35 हुआ ना, नहीं 45 हो गया, 45 क्वेश्चन और, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ, 3 दिन टाइम है, सोचो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन है, पाइप्स एंड सिस्टम्स बता, हाँ ठीक है, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है या अलग टाइप के क्वेश्चन है वो हम बता देंगे। और देखो मंडे को कहने का मतलब ये नहीं कंप्लीट चाहिए, पूछ लेना उस दिन जो भी आपके डाउट्स होंगे ना वो सब पूछ लेना। देखो 20 क्या कहता है, 20 ठीक है, 20 में कह रहा है डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट सच दैट द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाई 164। ये 20 में किसको दिक्कत है, तो और किस, कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन 20 का आ गया होगा, एक बार और ट्राई करना, अगर ठीक है इक्वेशन मिला लो, अगर इक्वेशन सही है तो फिर आप एक बार और सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले एक चीज़ बता दे, तुम कभी भी प्रॉब्लम हो ना, जैसे 20 है, 20 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझो इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। कहता है कि डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट, भाई 16 को दो पार्ट में डिवाइड करना, आप बताओ कि 16 है सर मेरे पास और मेरे को अगर दो पार्ट में डिवाइड करना है तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक को x मानेंगे दूसरे को, गुड ठीक है, ये हो गया। अब किसी एक को तो बड़ा मानना पड़ेगा, ठीक है, तो चलो मान लेते हैं x यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। अब कहता है कि टॉइज द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, भाई टॉइज द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ठीक है, आ रहा समझ में, अच्छा टॉइज द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट ना, ये 2x का होल स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर होगा, लार्जर पार्ट का स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर हो गया और उसमें टॉइस मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कहता है एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब मैंने आपको माइनस बताया था, ठीक है। फिर हो गया स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, भाई स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर विच इज 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, और रिजल्ट कितना आ रहा है, एग्जैक्टली 164। अगर ये है आपका इक्वेशन तो आप इसको सॉल्व, ये नहीं किए तो इसीलिए नहीं आ रहा है, तो इसका भी तो स्क्वायर बोल रहा ना, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट लिख लो, हो जाएगा। अब इसके बाद खुद सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर बताना। 20 भी हो गया, अभी 27 पे चलते हैं। सर, हाँ? अगर जैसे किसी किसी क्वेश्चन में दो आंसर आता है तो एक एलिमिनेट करना जरूरी है, मतलब दोनों अगर सेटिस्फाई कर रहा तो फिर ठीक है। अच्छा 23 भी है, जब सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो एलिमिनेट कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन के अगले दो आंसर आते हैं लेकिन आरएससी के बाद में एक ही आंसर है, तो एक नहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा, एक को एलिमिनेट करना पड़ता होगा। अरे होगा, ध्यान से देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होता यार, मैथ्स
एकदम क्लियरिटी वाला चैप मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है, यही एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100 में 100 बहुत आसानी से आ सकता है अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। बाकी अदर सब्जेक्ट में क्या है, आप कितना भी पढ़ लो कितना भी लिख लो आप हमेशा श्योरिटी में नहीं रहोगे कि एकदम इतना ही आएगा, लेकिन मैथ्स में है कि अगर आपने 10 क्वेश्चन बना लिया सही बनाया तो फिर वो आना ही आना है, फुल में फुल आना है, कोई नहीं रोक सकता, तो ऐसे डाउट नहीं होते मैथ्स में। चलो ठीक है 23 देखते हैं। 23 में क्या कह रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज 46। यार 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेना है, ठीक है, तो एक को x मान ले, दूसरे को x प्लस 1 और तीसरे को क्या x प्लस 2, ठीक है। अब कहता है पहले का स्क्वायर और बाकी दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है भाई, पहले का स्क्वायर और बाकी दोनों का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, एंड दैट विल इक्वल्स टू 46। बस सॉल्व कर लेना आ जाएगा आंसर, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। 23 हो गया, नेक्स्ट चलते हैं 27 पे। 27 में कह रहा है न्यूमरेटर, अच्छा देखो अभी क्या है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि न्यूमरेटर कौन है डिनोमिनेटर कौन है। अच्छा ये बताओ अगर हम x बाई वाई लिखते हैं तो उसमें न्यूमरेटर कौन है, कहोगे सर ये न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर कौन है y, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन द डिनोमिनेटर। भाई न्यूमरेटर ना 3 कम है डिनोमिनेटर से, यानी ये x माइनस 3 है और ये क्या है, ये आप बोल लो y है या x भी मान सकते हो, ठीक है, अगर हम सिंगल वे में चलें तो इस तरीके से भी मान सकते हैं, सिंगल वेरिएबल में चले तो। फिर कहता है कि इफ़ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय, ओके ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम ये करते हैं, एक्स वाई मान के ही काम करते हैं, इस तरीके से क्या बोल रहा है, एक्स माइनस थ्री ऐसे बनाया, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू इतना माइनस वन बाई फिफ्टीन, ये भी सही है, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो एक एक काम करते हैं, एक ही वो देखो इस क्वेश्चन को ना दोनों तरीके से बना सकते हो, 1 वेरिएबल में भी और 2 वेरिएबल में भी, ठीक है, तो किस में बता दे, 1 वेरिएबल बता दे या 2 वेरिएबल बता दे, चलो ठीक है, तो फिर देख लो आप बोल रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और इसमें सबसे पहले बोल रहा है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर जो है ना वो 3 कम है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू होगा उसमें 3 कम होगा, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि डिनोमिनेटर को मान ले x, तो न्यूमरेटर मेरा कितना आएगा x माइनस 3, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि इफ़ 1 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर, अब भाई डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं यानी कि x प्लस 1 डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, ठीक है, फिर कहता है कि द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाई 1/15, अब जो फ्रैक्शन है ना वो 1/15 से घट जाएगा, यानी फ्रैक्शन क्या था पहले, पहले क्या फ्रैक्शन था, तो कहोगे सर यहाँ पे फ्रैक्शन था x माइनस 3 बाई में x, ठीक है, ये था और ये जो है ना ये घट जाएगा 15 से, 1/15 ना 15 है, 1/15 है, ठीक है, और आई थिंक आउटपुट आपका यही आना है, डिनोमिनेटर ही आएगा x माइनस 3 ना, ठीक है x प्लस 1 से ना माइनस होगा, x प्लस 1, एक सेकेंड, कहता है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई, ठीक तो है, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, ठीक है, द फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड बाई दिस, हाँ ठीक है, सही है ना, ठीक है, तो करना क्या है इसको सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन था किसका वैसे, साधिका का, और वही गप कर रही है, क्या बोल रही है, आया समझ में, चलो ठीक है 27 हो गया ना, अभी 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, अब देखो 29 ना थोड़ा ध्यान समझने वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हाँ हाँ नहीं x प्लस 3, देखो दो दो बातें, आप चाहे तो दो वेरिएबल में मान लो,
एक को एक्स मानो दूसरे को वाई माइनस थ्री कर लो, डिफरेंस करना है ना। या फिर आप एक काम करो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज थ्री यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, ये कर लो आप। वन वेरिएबल में दिक्कत हो रहा है, देखो सिंपल सी बात है, जब डिफरेंस तीन है तो एक अगर एक्स होगा दूसरा एक्स प्लस तीन होगा ना यार, तीन ज़्यादा होगा उसमें, क्योंकि आप इसको इसमें से घटाओगे तो तीन कट जाएगा, तीन का डिफरेंस आएगा ना, माइनस थ्री क्यों लेंगे आप बोल रहे हैं डिफरेंस ना। देखो आप एक्स मानते हो, आप कोई भी चीज़ बैक से थोड़ी चल सकते हो, आप अभी प्रेजेंट मान लिए एक को और एक को तीन बढ़ा के मान लिए, तो ये होगा ना डिफरेंस, आगे में और अभी में कितना का डिफरेंस आ रहा है, तीन का। जैसे अगर आपका अभी एज कितना है, 20 साल है ठीक है या 15 साल है, तो कह रहा है कि आपकी एज और आपकी सिस्टर के एज में 3 साल का डिफरेंस है ठीक है। तो आप अपने से देखोगे ना कि मेरा अभी 15 है तो मेरी सिस्टर का एज हो सकता है 18 हो जाए ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि 3 साल कम हो यानी 12 हो जाए ठीक है। लेकिन आप हमेशा प्रेजेंट मानो और हमेशा एक्सीड आगे की तरफ जाओ, ये नहीं कि पीछे, अभी एक्स मान लो और इसका एक्स माइनस थ्री मान लो तो फिर गलत हो जाएगा ठीक है, समझ में आ रहा है। छोटा वैल्यू मत मानो, इसलिए नहीं मानो क्योंकि देखो यहाँ पे जब माइनस आएगा ना तो माइनस बहुत खतरनाक चीज़ होता है। अब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ठीक है। मतलब ऐसे मान सकते हो बट हमें नहीं सही लगता कि आप प्लस वहाँ पे प्लस लेके चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा, माइनस लेके चलोगे तो मोस्टली कहीं कहीं पे फंस सकते हो, ऐसे तो बन जाएगा बट कहीं कहीं पे फंस सकते हो, या फिर टू वेरिएबल मान लो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अभी देखो 29 समझना एकदम अच्छे से, क्योंकि 29 थोड़ा इंपॉर्टेंट है और 29 में बहुत कुछ सीखने को है। ट्वेंटी नाइन में क्या कह रहा है सुन लो, कहते हैं अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट फॉर अ मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट 24 स्टूडेंट वर लेफ्ट ठीक है। अब देखो ऐसा है कि स्कूल में अभी 15 अगस्त आने वाला है तो परेड वरेड तो हो ही रहा होगा स्कूल में है ना, तो परेड जब हो रहा है तो आपके स्कूल वाले टीचर कहते हैं ना स्क्वायर में चलो एकदम लाइन में चलो एक के पीछे एक चलना है ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी सिनेरियो है, एक टीचर है जो कह रहा है कि एकदम स्क्वायर अपने को बनाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पास कितने होने चाहिए जितने भी हों ठीक है वो नहीं पता है, बट हमें स्क्वायर बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, बच्चे चले तो एकदम स्क्वायर वे में चले ठीक है। अब आपको भी पता है स्क्वायर में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे, बराबर होगा ना ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है कि जब वो स्क्वायर में उनको अरेंज किया तो 24 बच्चे बच गए, 24 बच्चे क्या हो गए बच गए, अभी उस स्क्वायर में नहीं आए। लेकिन फिर कहता है कि जैसे ही उन्होंने एक स्टूडेंट से बढ़ा दिया यानी उन्होंने साइज़ को उस स्क्वायर का साइज़ को एक से बढ़ा दिया तो फिर वहाँ पे कमी आ गई, और कमी कितने की आ गई 25 स्टूडेंट की यानी 25 स्टूडेंट कम हो गए ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, जैसे अब देखो 24 बच्चे हैं ना उधर खड़े हैं उधर ठीक है। अब वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है वो भी सोचेंगे हम भी पार्टिसिपेट करें। तो टीचर को बोला गया कि आप ना जैसे अभी मान लीजिए कि 10x10 का लाइन है, 10x10 का लाइन है तो आप एक और कर दीजिए, मतलब आप एक 11x11 का लाइन बना दीजिए ठीक है। हाँ एक कॉलम और एक रो और बढ़ गया, बढ़ेगा तभी ना स्क्वायर बनेगा। अब जैसे ही वो बढ़ाए तो पता चला गया यार 25 स्टूडेंट और घट गए, मतलब 25 स्टूडेंट की कमी हो गई लाइन में ठीक है। नहीं समझ में आया, आ गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितने बच्चे हैं टोटल, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। चलो एक काम करते हैं, 29 बता रहे ना, एक काम करते हैं, हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं। चलो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, मान लिया जाए लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स ठीक है। कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमें नहीं पता कि कितने हैं ठीक है। अब ये बताओ कि अगर उनको स्क्वायर वे में रखेंगे ठीक है तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स इधर से भी होगा और इधर से भी होगा यानी नंबर ऑफ रोज जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी होगा ठीक है। तो स्क्वायर बनाने का मतलब क्या हुआ कि सर ये एक्स स्क्वायर होगा, यही होगा ना। मान लीजिए 10 रो है 10 कॉलम है तो हमें हमारे पास 100 बच्चे होने चाहिए, 10 × 10 कितना आ गया 100। तो अगर मेरे पास एक्स बच्चे हैं ठीक है और हमें नहीं पता कि वो कितने हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज ठीक है और नंबर ऑफ कॉलम्स को बराबर रखेंगे ठीक है, और वो कितना होगा एक्स के बराबर होगा यानी इतने होने चाहिए हाँ स्टूडेंट ठीक है, ताकि वो सही से अरेंज हो जाए। अब हुआ क्या कि हमने जैसे ही इतना किया क्या हो गया भाई 24 बच्चे और बच गए, 24 बच्चे बच गए ना,
ये तो स्क्वायर में फिट हो गया, स्क्वायर बन गया ना, बट 24 बच्चे क्या हो गए, घट गए नहीं, खड़े थे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में है ना, 24 बच्चे, 24 बच्चे एक्स्ट्रा में है ना भाई। जैसे मेरा कहना ये है, आप एक काम करो, हाँ हाँ ये इंक्लूड होंगे, ऑब्वियसली बात है, इतना तो आ गया वो स्क्वायर में, ये स्क्वायर में आ गए सारे, ये आ गए ना सारे, अब 24 एक्स्ट्रा खड़े थे साइड में, खड़े थे साइड में, अब टीचर ने क्या किया, उन 24 को इंक्लूड कर लिया, 24 को इंक्लूड करने का मतलब उन्होंने एक लाइन बढ़ा दिया, लाइन बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा रोज और कॉलम है वो कितना हो गया, एक्स प्लस वन, एक बढ़ गया, पहले एक्स नंबर ऑफ रोज था, अब कितना हो गया, एक्स प्लस वन नंबर ऑफ रोज, तो रोज बढ़ेगा तो कॉलम भी बढ़ेगा, तो अब इतने बच्चे होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इतने बच्चे जैसे ही हमने अरेंज किए हैं तो 25 स्टूडेंट की कमी आ गई, यानी इतना हमें 25 माइनस कर दो, इतना ही है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी 24 नहीं, अभी 24 होगा, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हो आप ना, यहाँ पे एक चीज़ जो गलत माने हैं वो आप सही कर लो, इसमें आप ये नहीं मानो कि इतने बच्चे हैं, आप ये मानो कि लेट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बी एक्स, आप इसको मान लो, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप मान लो, एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप मान लो एक्स स्क्वायर, अब ये आपको सही समझ में आएगा। भाई जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम भी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक टोटल, हाँ 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 ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 24 होगा ना, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 24 यही है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सारे स्क्वायर में आ गए और ये 24 बचे हुए थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24, और ये हमने रोज बढ़ा दिए बट 25 बच्चे कम गए, तो अब आप ये दोनों बराबर कर लो और आंसर निकाल लो, 29 सबका था, ठीक है, आ गया समझ में। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्क्वायर, ठीक है, उस स्क्वायर में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिनोट कर रहा है, एक्स स्क्वायर में 24 ऐड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया, इरेज करें, चलो नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा है, 30 भी है, अच्छा चलो 30 भी है, देखो 30 समझो किसका है, मेरा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, कहता है 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स ईच वुड हैव रिसीव्ड वन एप्पल लेस, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यार 300 एप्पल है, ठीक है, और 300 एप्पल को कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट में बांटना है, कितने स्टूडेंट है मेरे पास पता है क्या, नहीं, चलो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं एक्स, ठीक है, अब मेरे पास नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 600 या 300, 300 है ना भाई, 300 एप्पल है, ठीक है, अच्छा 300 एप्पल है, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक बच्चे को कितना मिल रहा है, 300 भाई, पक्का ये एक बच्चे को मिलेगा, अगर आपके पास 20 चॉकलेट है और आप लोग 10 भाई बहन हो तो एक को कितना मिलेगा, कैसे निकालें 20 भाई 10 करके, वैसे ही हम भी निकालें, अगर मेरे पास 20 चॉकलेट है और 10 भाई बहन है तो 20 भाई 10 करके हमको पता चल गया कि एक को कितना मिलना है, एक को दो मिलेगा तीन मिलेगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही 10 बच्चे बढ़ गए, ठीक है, अब 10 बच्चे बढ़ गए तो मेरे को एक बात बता, 10 बच्चे बढ़ने का क्या मतलब हुआ, एक्स प्लस 10 ना, कितने बच्चे बढ़ गए, ठीक है, और ये हो गया एप्पल तो उतना ही है, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि पहले जितना बच्चा को मिल रहा था अब तो कम मिलेगा ना, ये एग्जैक्टली 10 बच्चे बढ़ गया, तो ये डिफरेंस कितने का है, एक का ना, एक एप्पल कम मिल रहा है सबको, क्या लिख रहा है लास्ट में, ईच वुड हैव रिसीव्ड वन एप्पल लेस, एक एप्पल सब में कम जाएगा, जैसे पहले दो दो चॉकलेट सबको मिल रहा था अब एक एक चॉकलेट सबको मिलेगा क्योंकि एक चॉकलेट कम गया, ठीक है। तो मेरे को एक बात बता, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा, भाई इतना पहले मिल रहा था, इतना मतलब एक बच्चे को पहले दो एप्पल मिल रहा था, ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे ही 10 बच्चे बढ़ गए तो एक एप्पल घट गया सब में से, तो अब हम ये देखेंगे ना कि 10 बच्चे बढ़ने पर कितना मिल रहा है, एक को कितना मिल रहा है, तो चलो एक को मिल रहा है एक, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, एक, ठीक है, चलो बन जाएगा,
30 भी हो गया, नाउ 32 कर रही रेज इसको। बत्तीस देखो, 32 क्या कहते हैं, कहता है सम स्टूडेंट्स प्लान अ पिकनिक। अब देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पिकनिक विकनिक आता है तो इंटरेस्टिंग हो ही जाता है। क्या हो गया? कहता है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो पिकनिक के लिए प्लान कर रहे हैं, एंड द टोटल बजट ऑफ द फॉर द फूड वॉज 2000 रुपीज़, बट 5 स्टूडेंट्स फेल टू अटेंड द पिकनिक एंड दस द कॉस्ट फॉर फूड फॉर ईच मेम्बर इंक्रीज बाई 20। यानी देखो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, कितने थे नहीं पता, बट वो लोग पिकनिक का प्लानिंग किए, प्लानिंग करने पे पता चला बजट जो है वो 2000 का है, ठीक है, फूड के ऊपर। लेकिन 5 बच्चे घट गए, 5 बच्चे बोले कि हम नहीं जाएंगे, मेरे तबीयत नहीं ठीक है, तो क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है भाई, 5 का तो पैसा जो है, जो 5 देने वाले थे अब वो तो नहीं दे पाएंगे, तो बजट जो है ना वो हर बच्चे पे 20 रुपये बढ़ गया। पहले कुछ वो अमाउंट दे रहे होंगे, अब हो गया कि 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। अब पूछता है आपसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, हर बच्चे ने कितना पे किया। सिंपल है भाई, आपको दो चीज़ें पूछ रहा है, पहले तो पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, क्या बताने बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने बोल रहा है, और फिर क्या पूछ रहा है आपसे कि ईच स्टूडेंट या अमाउंट पेड बाई ईच स्टूडेंट, ये भी आपसे पूछ रहा है ना। चलो इसको एक्स मान लें और इसको वाई मान लें, हाँ क्यों नहीं बनाएंगे, क्या दिक्कत है, दो वेरिएबल्स नहीं बना सकते, हाँ तो क्वाड्रेटिक है तो अच्छा तो है, दो वेरिएबल है, क्यों क्वाड्रेटिक दो वेरिएबल वाला नहीं पढ़े हो, शुरू से नहीं बनाया दो वेरिएबल वाला क्वेश्चन, देखते हैं। अब देखो हुआ क्या, कहता है टोटल कॉस्ट जो है ना फूड का वो 2000 है, टोटल कॉस्ट 2000 का मतलब क्या, कहोगे सर x इंटू वाई कितना आता, 2000 एक्स इंटू वाई करते हैं, जितने बच्चे हैं और एक बच्चे जितना दे रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए था, 2000। अब क्या हो गया, 5 बच्चे कम गए, 5 बच्चे कम गए मतलब कितना, x माइनस 5, और फूड में जो अमाउंट है वो कितना बढ़ गया हर एक पे, 20 रुपया। पहले सब वाई दे रहा था, अब कितना देगा, 20 रुपये ज़्यादा, अब इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, क्योंकि अमाउंट उतना ही रह गया ना, अब नहीं बनेगा। देन थर्टी टू भी हो गया, नाउ 33 एंड 34। लिख लो, तुम्हारा 34 है, 33 और 34 अच्छा तुम्हारा ही है, 33 में क्या है, आसान तो है, इरेज करें, और ये एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगा हम कॉपी सबका चेक करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। 33 देखो, हाँ जी हाँ शुरू से देखो, 33 में क्या कहता है, कहता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाई 5, अ पर्सन कैन बाई 4 मोर बुक्स फॉर 600 रुपीज़, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। यार ओरिजिनल प्राइस बताना है, ठीक है, तो मेरे को एक बात बता, आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है बुक का, आपको पता है कितने बुक वो खरीदा है, नहीं ना, तो नंबर ऑफ बुक्स को क्या मानोगे आप, एक्स, और प्राइस ऑफ ईच बुक कितना मानोगे, प्राइस ऑफ ईच बुक वाई रुपीस, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना बोल रहा है, 600 रुपया, पहले कितना में ख़रीदा था, 600 रुपये में, पहले कितना में ख़रीदा था, 600, यानी एक्स इंटू वाई बराबर कितना, 600। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो प्राइस है ना बुक का वो 5 रुपये घट गया, यानी y में से 5 रुपये घट गया, ठीक है, और बुक वो कितना एक्स्ट्रा ख़रीद लिया, 4 बुक ज़्यादा ख़रीद लिया, पहले x ख़रीदता था, अब वो कितना खरीदेगा,
एक्स प्लस फोर, और टोटल कितना आना चाहिए भाई? 600। आ गया आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा, लेकिन मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो सही से सॉल्व कर, आ जाएगा। कर दे या कर लोगे? देखो ये वाला स्टेप कर देते, एक्स वाई ठीक है माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 600, ठीक है। अभी एक्स वाई का वैल्यू एक काम कर, इधर से पुट कर लो। हाँ जी 600 आ गया इधर, ठीक है। माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू माइनस 20 इक्वल टू 600, और 600 से 600 कट गया, तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ। तो 5x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 20, ये आ गया पहला थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ठीक है ना, अब तो ये कटेगा नहीं, क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन लगा लो। अब इसका क्या मतलब है? कहोगे सर x बराबर 600 बाई वाई, ठीक है। अब इसको कहाँ पुट कर लो? यहाँ पे पुट कर लो, बन जाएगा, ठीक है। चलो 33 भी हो गया, लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा है 34। क्या कह रहा है? 34 कह रहा है अ पर्सन ऑन टूर हैज 10,800 फॉर हिज एक्सपेंसेस। यार एक इंसान है, एक आदमी है जो कि टूर पे जा रहा है घूमने, और उसके पास खर्च करने के लिए कितना रुपया है? 10,800 रुपया, ठीक है। वो इतना लेके जा रहा है कि खर्च हो जाएगा। फिर क्या हुआ? इफ़ ही एक्सटेंड हिज टूर बाई 4 days, अगर वो 4 दिन अपने टूर को बढ़ा देगा, ऑब्वियसली बात है खर्च बढ़ जाएगा। फिर कहता है कि ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाई 90 रुपीज़, यानी वो खर्च नहीं बढ़ाएगा, वो क्या कर रहा है, हर दिन के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को वो 90 रुपये कम कर दिया। उसके पास 10,800 ही है, एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लेके आएगा? नहीं है उसके पास, ठीक है। तो वो डेली जो 90 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है उसको वो कम कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है बताओ कितने दिन के लिए वो एक्चुअली में टूर गया है, ठीक है। देखो आपको पता है वो कितने दिन के लिए जा रहा है? नहीं पता ना। और एक दिन में वो कितना खर्च करेगा आपको पता है? नहीं, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज जो है वो है एक्स, और एक्सपेंडिचर ऑन ईच डे, हर दिन वो कितना स्पेंड करेगा, मान लेते हैं रुपीज़ वाई, वाई रुपये खर्च करेगा एक्स दिन के लिए वो जा रहा है। टोटल कितना लेके जा रहा है वो? एक्स इंटू वाई करोगे तो कितना आएगा? 10,800 रुपया। पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हुआ ये कि उसका जो 4 दिन का टूर है वो बढ़ गया, एक्स प्लस 4 हो गया, और हर दिन वो जो भी खर्च करता है उसमें 90 रुपये कम खर्च करेगा, तो वाई माइनस 90 कितना है भाई? जो अमाउंट है वो तो सेम ही है, 10,800 बन जाएगा। था ना आसान? बनने पे आसान लगता है, ऐसा नहीं है बट ठीक है। हाँ मतलब शुरू शुरू में दिक्कत होता है, फिर जब आप खुद भी पूरा बना लोगे ना इस पूरा एक्सरसाइज को 2 बार, तो आपको भी आसान लगने लग जाएगा। हाँ एक बार में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। अभी देखो फर्स्ट टाइम बना रहे हो, आपको हर क्वेश्चन में लग रहा है नहीं बनेगा नहीं बनेगा, और आपको हेल्प चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी बताया था, बट जैसे जैसे आप पूरा 2 बार इस पूरे एक्सरसाइज को बना लोगे तो फिर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, अभी टाइम है। आप बताओ कौन सा क्वेश्चन बता दे तुम लोगों को? सर पाइप एंड सिस्टम पूछना है या और कोई? एजेस वाला आता है, एक एजेस वाला क्वेश्चन बता देते हैं। कौन सा बता दे बताओ? 38 से लेके 42 तक है, कौन सा बता दे? बोलो, एजेस वाला क्वेश्चन बताना है ना? कौन सा 37 एजेस नहीं है क्वेश्चन, वो तो कुछ और है, वो तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालने वाला क्वेश्चन है। कौन सा बता दे 38 से 42 तक, जल्दी बोलो। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? सीपी का। क्या निकालने के लिए? गेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सीपी इक्वल्स टू होता है 100 बाई में 100 प्लस
खत्म है क्या ये सीन है प्रॉफिट लॉस एट में पढ़ना है एट तो में तो है आगे लेवल पर इसको नहीं नहीं बस एट था ठीक है और यहाँ पे लॉस होगा तो माइनस कर लेना 42 ठीक है देखो एक चीज़ याद रखना एज वाले क्वेश्चन में एज वाले क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना कि कभी भी आपको अगो बोले ना एजियो ठीक है तो उसका मतलब आपको माइनस करना है और कभी आपको हेंस बोले या लेटर बोले 10 years लेटर ठीक है तो वहाँ पे आपको प्लस करना है ठीक है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखो कहता है और एक चीज़ और आपको हमेशा एज वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज मानना है क्या मानना है प्रेजेंट एज ही मानना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 42 में और 42 में क्या बोल रहा है देखते हैं 42 में कह रहा है कि 2 साल पहले की बात है एक आदमी यानी अ मैंस एज वॉज 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज ठीक है 2 साल पहले की बात है ना एक आदमी का एज जो है वो अपने बेटे का क्या था 3 गुना था एक काम करते हैं भाई पहले बेटे का एज मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऐसे हम चाहें तो 2 variables में बना सकते हैं और मैन का भी एज मान सकते हैं प्रेजेंट में ठीक है बट कैसा बनाना है बताओ 1 variable बना दे 2 variable बना दे 1 में ही बना दे देखो तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर अच्छा अगर मान लो किसी भी बेटे का अभी x साल है तो 2 साल पहले उसका एज कितना होगा x माइनस 2 तो हम लिखने वाले हैं 2 years ago 2 साल पहले की बात है सन का एज कितना होगा कहोगे सर x माइनस टू ईयर्स तो देखो ऐसा है 2 साल पहले की बात है फादर जो था ना फादर का जो एज है ना 2 साल पहले वो 3 गुना है 3 times है स्क्वायर ऑफ द सन्स एज भाई 3 times है स्क्वायर ऑफ द सन्स एज आ गया समझ में 3 times है स्क्वायर ऑफ द सन्स एज ठीक है फिर कहता है कि इन 3 years टाइम अब देखो जहाँ पे बोल रहा है ना 3 साल में तो 3 साल में का मतलब क्या आने वाला 3 साल तो वहाँ पे क्या करेंगे प्लस ठीक है तो अब आप बताओ इन थ्री ईयर्स 3 साल में क्या होने वाला है तो ओके सर 3 साल में बेटे का एज कितना हो जाएगा x प्लस 3 और फादर का एज आपको अभी क्वेश्चन में बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई 3 साल में फादर कहाँ जाएंगे कहता है हिज एज विल बी 4 times हिज सन्स एज इनका जो एज होगा ना इनके बेटे का 4 गुना हो जाएगा ठीक है अब आप कहोगे सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया लेकिन इक्वेशन नहीं बना क्वेश्चन खत्म हो गया ना इक्वेशन नहीं बना कहाँ बना सन का एज इतना है फादर का एज इतना है और फिर 3 साल बाद सन का एज इतना है फादर का एज इतना है तो क्वेश्चन तो नहीं बना इक्वेशन तो नहीं बना अब इक्वेशन बनाना पड़ता है इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे देखो अच्छा ये बताओ ये 2 साल पहले का एज है ना फादर का 2 साल बाद कितना एज होगा इनका कहोगे सर इतना में 2 जोड़ दीजिए 2 साल अभी प्रेजेंट एज क्या होगा इनका जैसे अभी से 2 साल पहले का एज इतना है फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा कहोगे सर प्रेजेंट एज निकालना है 2 जोड़ दीजिए अगर किसी का अभी मान लो 2 साल पहले 38 साल है अभी कितना होगा 38 अगर 38 है तो हाँ 38 है 2 साल पहले तो अभी कितना होगा 40 ठीक है तो 2 साल पहले मान लो इनका 38 था अभी कितना होगा 40 तो 2 जोड़ेंगे ना ठीक है तो फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा कहोगे सर फादर का प्रेजेंट एज होगा 3 into x-2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 ये फादर का क्या हो गया प्रेजेंट एज है ठीक है और अब एक बात बताओ जब फादर का प्रेजेंट एज इतना है इससे ना इस वाले से कितना होगा कहोगे सर 3 साल बाद फादर का ही जितना था तो प्रेजेंट एज कितना होगा इसमें से 3 माइनस कर दीजिए अगर किसी का 35 है 3 साल बाद तो अभी कितना होगा 3 साल बाद किसी का एज 35 है तो अभी कितना होगा 32 3 साल माइनस कर देंगे तो ये 3 साल बाद की एज है तो फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा 4 into x+3-3 अब देखो ये पूरा आपका बन गया इक्वेशन बन गया ना एक हमने इससे निकाला प्रेजेंट एज ये देखो आप और एक हमने इससे निकाला प्रेजेंट एज यहाँ पे और दोनों फादर का प्रेजेंट एज ही है तो आप यहाँ से x निकाल लो और x निकालने के बाद आपसे पूछ रहा है फादर का भी प्रेजेंट एज बताओ और सन का भी तो देखो करना क्या है सन का प्रेजेंट एज आप कितना मानते हैं x
आ गया एक्स का वैल्यू, लेकिन फादर का प्रेजेंट एज अगर निकालना है तो आपको क्या कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, इस वाले में, चाहे तो इधर वाले में पुट करो चाहे तो इधर वाले में पुट करो, क्योंकि यही है ना फादर का प्रेजेंट एज। बट आ गया समझ में? अरे वो छोड़ो, वो जैसे बनाया उसको छोड़ दो, बुक वाला मत देखो, ठीक है। अपना एक पैटर्न, अपना एक तरीका बनाओ, बुक वाले तरीके से समझोगे ना या उसको फॉलो करोगे तो दिक्कत होगा, तरीका अपना ही होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप बनाना 75 तक, लेकिन मेरे को नहीं लगता आप 75 तक पहुंचोगे, बहुत हो जाएगा, पहुँच जाएगा। अच्छा एक काम करना, 55 तक बना लेना, ठीक है। 75 इज टू हाई, ठीक है, उतना तक दिक्कत है, तो 55 अप टू 55 इतना ही दे रहे, ऐसा कोशिश तो पूरा ही कर लेना जहाँ तक बने, बट 55 तक कोशिश कर सकते हो और बन सकता है। और कौन सा बता दे, बताओ कहाँ तक दिए हैं? एक देखो 48 देखो, 48 गुड, ठीक है, यानी बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो था लीनियर क्वेश्चन, फिर पाइप एंड सिस्टर्न नहीं था। चल देखे एक क्वेश्चन देख लो पाइप एंड सिस्टर्न का, बार बार शोर बोल रहे हैं तो एक बार देख लेते क्या है। कौन सा बता दें? 57 देखो, 57 क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है 57। कैसे बनेगा? कहता है दो वाटर टैप है, यानी दो नल हैं भाई, दोनों को एक